हेलो बच्चों। दोस्तों, ये जिंदगी है, आगे बढ़ने का नाम है, रुकने का नहीं, थकने का नहीं, बस आगे चलते जाने का, आगे बढ़ते रहने का। दोस्तों, ये हमारा गैसीय स्टेट का लेक्चर नंबर 2 है। इस लेक्चर नंबर 2 में हम बैरोमीटर एंड मैनोमीटर के कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने वाले हैं, मरकरी की जादुई कहानी को अंडरस्टैंड करने वाले हैं। उम्मीद है आपने लेक्चर नंबर 2 को अटेंड किया होगा, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को जाना होगा और बैरोमीटर के कॉन्सेप्ट को मैंने प्रीवियस सेशन में ही इंट्रोड्यूस किया था, उस कॉन्सेप्ट के बेसिक पार्ट को आपने अंडरस्टैंड किया होगा, फील किया होगा। तो चलिए सेशन को जल्दी से स्टार्ट करते हैं, रेडी हो जाएं सेशन 2 को अटेंड करने के लिए। नोटबुक निकालिए, पेन निकालिए और पूरे एक्टिव हो जाइए। देखिए, एक एक बात आपको जाननी है, समझ में भी आएगा आपको और साथ में फील भी होगा, आपको सब कुछ बिल्कुल दिमाग में फिट हो जाएगा। अगर आप अंडरस्टैंड करते करते आप चीजों को लर्न करेंगे, अगर आप ऐसे ही चीजों को याद करेंगे तो कम टाइम तक ही आपके दिमाग में चीजें रिटेन रह पाएंगी। लेकिन अगर आपने अच्छे से अंडरस्टैंड किया, फील किया, तो मुझे लगता है लाइफ टाइम चीजें आपको याद रहेंगी। तो देखिए, आज हमें वहीं से ही स्टार्ट करना होगा जहां मैंने प्रीवियस सेशन में आपको छोड़ा था, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कैलकुलेट करने का। ये बेहतरीन अंदाज आप जानते हैं, देखिए लिक्विड कॉलम ने हाइट एच अटेन की है कैपिलरी ट्यूब में, तो प्रेशर कितना होगा, रो जी एच होगा। रो इज डेंसिटी ऑफ लिक्विड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, यूनिट्स का ध्यान रखना है। एंड जी इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर, ये आप जानते हैं, हाइट आपको मीटर में पुट करनी है, डेंसिटी आपको किलोग्राम पर मीटर क्यूब में पुट करनी है। जी हां, किलोग्राम पर मीटर क्यूब में पुट करनी है। डेंसिटी को आप जानते होंगे, डेंसिटी इज मास बाय वॉल्यूम, मास किलोग्राम में होना चाहिए, वॉल्यूम मीटर क्यूब में होनी चाहिए। तो आपको मिल पाएगी डेंसिटी किलोग्राम पर मीटर क्यूब यूनिट के साथ। आई होप इतना सब कुछ आप जानते होंगे। इस प्रकार से कैलकुलेशन करने के बाद प्रेशर आपको पास्कल यूनिट में मिल पाएगा, ये आप जानते ही होंगे। 1 एटीएम इज इक्वल टू 1.01325 इंटू 10 रेज टू पावर 5 पास्कल, आई होप इसको आप जानते ही होंगे। तो इस प्रकार से पास्कल में प्रेशर कैलकुलेट करने के बाद आसानी के साथ आप इसे एटीएम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए, यूनिट कन्वर्जन की पूरी दुनिया तो आपने प्रीवियस सेशन में देखी होगी, चलिए इसके बाद बैरोमीटर से रिलेटेड हमारी अधूरी कहानी को हमें पूरा करना होगा। इसके लिए हमें जानना होगा कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विवेलेंट हाइट। इक्विवेलेंट हाइट के कॉन्सेप्ट का क्या मीनिंग है, देखिए इसका मीनिंग ये है, अगर कैपिलरी ट्यूब में मरकरी राइज ना हो, यानी एटमोस्फेरिक प्रेशर के अंडर राइज हो कोई और लिक्विड, तो कितने हाइट अटेन होगी। अगर मरकरी की हाइट एच अटेन हुई है तो दूसरे लिक्विड की हाइट कितने अटेन होगी, जी हाँ, एच नहीं अटेन होगी, एच डैश अटेन होगी। इसी कॉन्सेप्ट को हम बोलेंगे, एक लिक्विड के रिस्पेक्ट में दूसरे लिक्विड की जो हाइट अटेन होगी कैपिलरी ट्यूब में, बैरोमीटर ट्यूब के अंदर, उस हाइट को बोला जाएगा इक्विवेलेंट हाइट का कॉन्सेप्ट। जी हाँ, देखिए, इट इज हाइट ऑफ वन लिक्विड, इट इज हाइट ऑफ वन लिक्विड विद रिस्पेक्ट टू अनदर लिक्विड अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर। जी हां, इस प्रकार से प्रेशर सेम है, पी सेम, देन पी इज इक्वल टू रो इंटू जी इंटू एच। ध्यान से देखिए, अगर डेंसिटी होगी कम, ध्यान से सुनना, डेंसिटी होगी कम तो हाइट अटेंड होगी ज्यादा। अब देखिए, अगर डेंसिटी होगी ज्यादा, मरकरी से ज्यादा डेंसिटी हुई लिक्विड की, उस केस में हाइट अटेंड होगी कम, क्यों, क्योंकि रो इंटू जी इंटू एच ये कांस्टेंट है। सेम प्रेशर के अंडर हमें बात करनी, सेम प्रेशर सेम टेम्परेचर के अंडर बात करनी है, तो रो इंटू जी इंटू एच ये प्रोडक्ट क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अब देखिए, इसको डिटेल में जानने के लिए हमें आगे चलना होगा, आगे बढ़ना होगा। हमारे पास कंटेनर में मरकरी है, ये देखिए मरकरी है, इसमें डिप किया नैरो ट्यूब को,
नैरो ट्यूब को डिप किया, देखिए इस प्रकार से हाइट अटेन हुई, इस केस में देखिए एच हाइट अटेन हुई, हाइट अटेंड इज एच, और इसमें प्रेजेंट है मर्करी। कब अटेन हुई? जब प्रेशर पी लग रहा है, एटमोस्फेरिक प्रेशर कितना है? पी है। ध्यान से देखिए, इसके बाद देखिए डेंसिटी ऑफ मर्करी कितनी होगी जब ये हाइट एच अटेन हुई। मर्करी की डेंसिटी देखिए 13.6 ग्राम पर एमएल है। इसके बाद बारी है एक और कंटेनर में प्रेजेंट लिक्विड की। यहां देखिए लिक्विड वन है, यहां प्रेजेंट है लिक्विड वन। कौन प्रेजेंट है? लिक्विड वन प्रेजेंट है, लिक्विड वन। ध्यान से देखना, इसकी डेंसिटी 27.2 ग्राम पर एमएल है, यानी मर्करी की डेंसिटी से इस लिक्विड की डेंसिटी होगी। तो क्या माया होगी? देखिए अगर हम यहां पर नैरो ट्यूब को इस प्रकार से डिप करते हैं, इन्वर्टेड नैरो ट्यूब हमारे पास है, तो ध्यान से देखिए इस केस में क्या सेम हाइट अटेन होगी? जी नहीं, इस केस में हाइट अटेन होगी एच डैश। ध्यान से देखना, हाइट अटेन होगी एच डैश। इस हाइट को मेजर करते हैं तो आपको ये हाइट एच डैश, एच से क्या मिलती है? लेसर मिलती है। एच डैश इज लेस देन एच। इसके बाद देखिए, आई होप ये पॉइंट आपने अंडरस्टैंड किया होगा। इसके बाद लिक्विड टू आपके पास है, ये देखिए लिक्विड टू आपके पास है, दिस इज लिक्विड टू। इस लिक्विड टू की डेंसिटी लिक्विड वन की डेंसिटी से डिफरेंट होगी। ऑब्वियस सी बात है, डिफरेंट लिक्विड है तो इसकी डेंसिटी क्या होगी? डिफरेंट होगी। ये लिक्विड टू है, इसकी डेंसिटी डिफरेंट है और ये मर्करी की डेंसिटी से भी कम है, यानी यहां पर 6.8 ग्राम पर एमएल इस डेंसिटी का लिक्विड हमारे पास है। अगर मर्करी से कम डेंसिटी है तो डेफिनेटली इससे तो कम होगी ही। जी हां, इससे कम होगी। अब देखिए अब क्या होगा, इन्वर्टेड नैरो ट्यूब को डिप करने पर क्या होगा? ध्यान से देखिए, यहां पर भी प्रेशर कितना अप्लाई होगा? एटमोस्फेरिक प्रेशर इन तीनों ही केसेस में कितना होगा? पी होगा। जी हां, इतना होगा, पी होगा। अब देखिए हाइट अटेंड कितनी है? इस केस में जो हाइट अटेन हुई है, ना ही एच हुई है ना ही एच डैश हुई है। इस केस में हाइट अटेंड इज एच डबल डैश। ध्यान से देखिए हाइट अटेंड कितनी है इस केस में? इस केस में है एच डबल डैश, फिर एच डबल डैश इज ग्रेटर देन एच। जी हां, एच डबल डैश एच से क्या है? ग्रेटर है। अब देखिए ये जो एच है ये एच डैश से ग्रेटर है, तो यहां से हम क्या कंक्लूड कर पाएंगे? यहां से हम ये कंक्लूड कर पाएंगे एच डबल डैश इज ग्रेटर देन एच एंड एच इज ग्रेटर देन एच डैश। जो हमने पहले कंक्लूड किया वही यहां से हमने ऑब्जर्व किया। देखिए पी इज इक्वल टू रो जी एच, सेम चीज हम इस फॉर्मूला से भी कंक्लूड कर पाएंगे। अगर लिक्विड की डेंसिटी कम होगी, अगर लिक्विड की डेंसिटी कम होगी तो हाइट ज्यादा अटेन होगी। प्रेशर सेम है, लिक्विड की डेंसिटी कम है तो हाइट ज्यादा अटेन होगी। इफ प्रेशर इज सेम, इफ प्रेशर इज कॉन्स्टेंट। एक और पॉइंट देखिए, अगर डेंसिटी ज्यादा हो तो हाइट कम अटेन हो पाएगी, यही हमने यहां पर पाया है। यहां देखिए, यहां डेंसिटी ज्यादा है तो हाइट कम अटेन हुई, यहां डेंसिटी कम है तो हाइट ज्यादा अटेन हुई। तो ऐसे केसेस में क्या करना होगा? क्या बार बार हमें नैरो ट्यूब को इंसर्ट करना होगा? जी नहीं, हम ऐसे केस में इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे। अगर प्रेशर सेम है, इफ प्रेशर इज सेम, देन वी कैन अप्लाई
we can apply rho 1 into g into h1 is equal to rho 2 into g into h2. For calculation of height with respect to another liquid, for calculation of height with respect to another liquid in barometer tube, देखिए जो प्रेशर बोला जाएगा mm of Hg यूनिट के साथ, ये प्रेशर मर्करी की हाइट होगी। जी हाँ, अगर हमारे पास कोई डिफरेंट लिक्विड है, क्या उसकी हाइट को हम प्रेशर बोल सकते हैं? जी नहीं, उसकी हाइट को प्रेशर नहीं बोलेंगे। मर्करी की डेंसिटी 13.6 ग्राम पर एमएल है, तो हाइट देखिए जो एच है इसे हम बोल सकते हैं एच एम एम ऑफ एच जी। ऐसे केस में क्या होगा? ऐसे केस में हमें इस एच डैश हाइट को मर्करी स्केल पर चेक करना होगा। देखिए एच डैश हाइट मर्करी स्केल पर एच डैश नहीं मिलेगी आपको, कितनी मिलेगी? एच मिलेगी, तब आप इसको प्रेशर बोल पाएंगे। ऐसे डायरेक्टली एच डैश ये प्रेशर नहीं होगा, लिक्विड की अटेंड हाइट ये प्रेशर नहीं होगी। यहां देखिए ये एच डबल डैश यहां प्रेशर नहीं होगा, ये अटेंड हाइट यहां पर प्रेशर नहीं होगी। इस केस में मर्करी स्केल पर बात करनी होगी। कैसे बात करनी होगी? कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विवेलेंट हाइट को यूज करते हुए मर्करी स्केल पर इस प्रकार से बात करनी होगी, प्रेशर इज सेम, देन रो मर्करी इंटू जी इंटू एच मर्करी इज इक्वल टू रो वन इंटू जी इंटू एच वन। दूसरे केस में रो मर्करी इंटू जी इंटू एच मर्करी इज इक्वल टू रो टू इंटू जी इंटू एच टू। इस प्रकार से आप यहां पर एच वन एंड एच टू को एक्सप्रेस कर पाएंगे मर्करी स्केल पर। किस बेहतरीन अंदाज में आप एक्सप्रेस कर पाएंगे? इस बेहतरीन अंदाज में आप एक्सप्रेस कर पाएंगे किस प्रकार से? देखिए इस प्रकार से आपको मर्करी स्केल पर हाइट ये मिल पाएगी, रो वन जिसे जी कैंसिल होगा, रो वन इंटू एच वन डिवाइडेड बाय रो वन इंटू एच वन डिवाइडेड बाय रो मर्करी। यहां देखिए हाइट एच टू को किस प्रकार से मर्करी स्केल के ऊपर आप इंडिकेट कर पाएंगे? इस प्रकार से इंडिकेट कर पाएंगे एच मर्करी इज इक्वल टू रो टू इंटू एच टू इंटू रो टू इंटू एच टू इंटू जी। देखिए जी से जी कैंसिल हुआ इस प्रकार से, और यहां से हमें क्या मिलता है? एच मर्करी आपको यहां से मिलती है, रो टू इंटू एच टू इंटू जी से जी कैंसिल हुआ इंटू वन होगा, डिवाइडेड बाय क्या होगा? देखिए डिवाइडेड बाय रो मर्करी होगा। इस प्रकार से अगर दूसरे लिक्विड की हाइट आपको कैपिलरी ट्यूब में मिलती है तो उसको हम प्रेशर नहीं बोल पाएंगे, मर्करी की हाइट को ही हम क्या बोल पाएंगे? प्रेशर बोल पाएंगे। लेकिन 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 हम उस हाइट को मर्करी स्केल पर इस आसानी के साथ कैलकुलेट कर पाएंगे कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विवेलेंट हाइट को यूज करते हुए। रो वन इंटू जी इंटू एच वन इज इक्वल टू रो मर्करी इंटू जी इंटू एच मर्करी यूज करते हुए, या फिर रो टू इंटू जी इंटू एच टू इज इक्वल टू रो मर्करी इंटू जी इंटू एच मर्करी यूज करते हुए मर्करी स्केल पर हाइट कैलकुलेट कर पाएंगे। प्रेशर सेम हुआ तभी ऐसा कर पाएंगे। जी हाँ, सेम प्रेशर पर ही इस फॉर्मूला को हमें अप्लाई करना है। उस केस में उस सेम प्रेशर के कोरस्पोंडिंग मर्करी स्केल पर जो हाइट होगी उस हाइट को हम क्या बोल पाएंगे? एच मर्करी को हम क्या बोल पाएंगे? इसे हम बोल पाएंगे प्रेशर। प्रेशर यूनिट क्या होगी? यूनिट होगी एम एम ऑफ एच जी, आप जानते हैं एम एम ऑफ एच जी। इस प्रकार से एम एम में एक्सप्रेस करने के बाद एम एम ऑफ एच जी क्या हो जाएगी? प्रेशर की यूनिट हो जाएगी। ये हम जानते हैं वन एम एम ऑफ एच जी किसके इक्वल है? वन एम एम ऑफ एच जी वन बाय 760 एटीएम के इक्वल है। तो आसानी के साथ एटीएम में भी प्रेशर को कन्वर्ट कर पाएंगे, और एटीएम यूनिट के साथ प्रेशर है तो इसको कन्वर्ट कर पाएंगे एम एम ऑफ एच जी में। चलिए इसके बाद बारी है आगे चलने की, आगे बढ़ने की। अगर हमें कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विवेलेंट हाइट को
एक बेहतरीन अंदाज में अप्लाई करना है तो इसके लिए हमें बैरोमीटर से रिलेटेड काफी सारी छोटी छोटी मोटी मोटी बातें जाननी होंगी। इसमें सबसे पहले हमें ये जानना होगा आखिरकार क्यों 1 ATM 760 mm ऑफ HG के इक्वल है, क्या आप जानते हैं? जी हाँ, प्रीवियस सेशन में इससे रिलेटेड हमारा डिस्कशन हो चुका है। इस प्रकार से देखिए, बैरोमीटर होगा, यहां पर मरकरी है और इसमें इन्वर्टेड यू शेप ट्यूब को इस प्रकार से देखिए डिप किया है, होगा क्या हाइट अटेन होगी? कितने अटेन होगी? अगर एटमोस्फेरिक प्रेशर 1 ATM है और यहां पर वैक्यूम है, ध्यान से सुनना ये बात, यहां पर वैक्यूम है और एटमोस्फेरिक प्रेशर 1 ATM है, एटमोस्फेरिक प्रेशर इज 1 ATM, PATM इज 1 ATM, तो होगा क्या? इस एटमोस्फेरिक प्रेशर के अप्लाई होने से ये देखिए मरकरी पुश होगा और हाइट अटेन होगी, कितने अटेन होगी ध्यान से देखना, यहां पर हाइट 76 सेंटीमीटर और 760 mm, इतने अटेन होगी 1 ATM प्रेशर के कोरस्पोंडिंग। अगर ये प्रेशर ज्यादा हो तो हाइट अटेंड भी ज्यादा मिलेगी, प्रेशर कम है तो हाइट अटेंड भी क्या होगी, कम होगी, लेकिन इस केस में 1 ATM है। अगर हमें क्वेश्चन में गिवन ना हो तो हमें 1 ATM ही एटमोस्फेरिक प्रेशर मानना होगा और इसके कोरस्पोंडिंग 76 सेंटीमीटर और 760 mm, इतनी हाइट अटेन होगी 76 सेंटीमीटर और 760 mm और 760 mm हाइट अटेन होगी। हम जानते हैं 1 cm इज इक्वल टू 10 mm, तो यहां से देखिए 1 ATM प्रेशर अप्लाई होने से 760 mm ऑफ HG इतनी हाइट अटेन हुई है। तो मरकरी की साइट को प्रेशर बोला जा सकता है, जी हम जानते हैं मरकरी की साइट को प्रेशर बोला जा सकता है। इस प्रकार से mm ऑफ HG हमें प्रेशर की एक और नई यूनिट मिल पाएगी, ATM के अलावा mm ऑफ HG हमें मिल पाएगी प्रेशर की एक और यूनिट। आप जानते होंगे mm ऑफ HG को टोर भी बोला जाता है, आखिरकार mm ऑफ HG को टोर क्यों बोला जाता है ये आपका होमवर्क होगा, कमेंट सेक्शन में जाकर जल्दी से बताइए mm ऑफ HG को टोर क्यों बोलते हैं। आई होप आप जानते होंगे, नहीं तो जानने की पूरी कोशिश करेंगे, जान जाएंगे आप लोग। इसके बाद देखिए बैरोमीटर से रिलेटेड आपको कुछ और भी जानना होगा, क्या जानना होगा तभी जाकर कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विवेलेंट हाइट को अप्लाई करना आप सीख पाएंगे। यहां देखिए वैक्यूम था, अगर यहां वैक्यूम ना हो, व्हेन गैस इज प्रेजेंट इन बैरोमीटर तो क्या होगा, ध्यान से देखिए केस वन अगर हाइट अटेन हो ही ना, इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग है बैरोमीटर को इस प्रकार से बनाया गया है, इस ट्यूब में गैस प्रेजेंट है, डिप किया गया है, फिर भी हाइट अटेन नहीं हो पाई, क्या एटमोस्फेरिक प्रेशर नहीं लग रहा है? बिल्कुल लग रहा है, PATM। इस एटमोस्फेरिक प्रेशर की वजह से मरकरी राइज होना चाहेगा लेकिन होगा नहीं, जी हां होगा नहीं, इसका क्या मीनिंग है? यहां गैस का भी प्रेशर लग रहा होगा, ध्यान से देखिए इसका मीनिंग यही है, यहां से यहां लगने वाला प्रेशर और यहां से यहां लगने वाला प्रेशर जरूर इक्वल होगा, तभी यहां पर मरकरी का लेवल इस कैपिलरी ट्यूब में इंक्रीज नहीं हो पाया। इस केस में हम कमेंट कर पाएंगे पी गैस इज इक्वल टू PATM, यहां से हम हमारे फाइनल आंसर तक पहुंच पाएंगे। जी हां, न्यूमेरिकल्स के अंदर इस प्रकार का केस है तो हम हमारे फाइनल आंसर तक इस बेहतरीन अंदाज में पहुंच पाएंगे, इसको यूज करते हुए पहुंच पाएंगे। इसके बाद देखिए अगर ऐसा हो, केस टू ऐसा हो, ध्यान से देखिए यहां भी मरकरी प्रेजेंट है और यहां देखिए इस प्रकार से ट्यूब को डिप किया गया है,
इसमें क्या प्रेजेंट है? इसमें गैस प्रेजेंट है। हाइट कितने अटेन होने चाहिए थी? 1 एटीएम के कोरस्पोंडिंग 760 अटेन होने चाहिए थी, 760 एमएम अटेन होने चाहिए थी, लेकिन यहां पर हाइट अटेन होती है एच। हाइट अटेन्ड इज एच, एच एमएम ऑफ एच जी। कितने अटेन होगी? एच अटेन होगी। आई होप इसको आपने अंडरस्टैंड किया होगा। अब देखिए क्यों अटेन होगी? इसलिए अटेन होगी, एटमोस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, जी हां, इसलिए अटेन होगी। तो क्या किया जाएगा? इस एच एम एम ऑफ एच जी को, एच एम एम ऑफ एच जी को मीटर में कन्वर्ट किया जाएगा। किसमें कन्वर्ट करेंगे? मीटर में। देखिए एच एम एम को मीटर में कन्वर्ट करने पर, मान लेते हैं एच एम एम ऑफ एच जी को मीटर में कन्वर्ट करने पर, मान लेते हैं हाइट मिलती है एच वन, एच वन मीटर मिलती है। तो देखिए ये हाइट कम क्यों मिलती है? यहां से यहां, यहां से यहां प्रेशर ऑफ गैस लग रहा होगा, यहां से यहां देखिए एटमोस्फेरिक प्रेशर लग रहा होगा, फिर भी हाइट अटेन हुई है। इसका क्या मीनिंग है? जरूर एटमोस्फेरिक प्रेशर ज्यादा लग रहा होगा, इसी वजह से हाइट अटेन हो पाई है। जी हां, एटमोस्फेरिक प्रेशर इज ग्रेटर देन प्रेशर ऑफ गैस। एटमोस्फेरिक प्रेशर प्रेशर ऑफ गैस से कितना ज्यादा होगा? इस हाइट के कोरस्पोंडिंग प्रेशर ज्यादा होगा। जी हां, एटमोस्फेरिक प्रेशर कितना ज्यादा होगा? देखिए प्रेशर डिफरेंस कितना होगा? प्रेशर डिफरेंस होगा इस हाइट के कोरस्पोंडिंग, कितना होगा? ये होगा, अगर ये हाइट मीटर में, किसमें है? मीटर में है, एच वन है, तो रो इंटू जी इंटू एच वन। इस प्रकार से कैलकुलेशन होगी। और पी एटीएम किसके इक्वल होगा? पी गैस प्लस रो इंटू जी इंटू एच वन। इसको अप्लाई करते हुए आसानी के साथ हम हमारे फाइनल आंसर तक पहुंच पाएंगे। न्यूमेरिकल पोर्शन में ऐसे कॉन्सेप्ट्स को हमें यूज करना होगा। आई होप आप इसके फाइनल आंसर तक आसानी के साथ पहुंच पाएंगे और आपने इसको अंडरस्टैंड भी कर लिया है। तो चलिए इसके बाद थर्ड केस क्या हो सकता है? इतना सब कुछ आपने जान लिया है, पहचान लिया है, तो इसके बाद देखिए थर्ड केस क्या हो सकता है। थर्ड केस दोस्तों ऐसा हो सकता है, मरकरी का लेवल ना ही सेम रहे और ना ही राइज हो, फॉल हो जाए। किस प्रकार से? देखिए इस प्रकार से, इस प्रकार से कैपिलरी ट्यूब को डिप किया है, इन्वर्टेड ट्यूब को डिप किया है, ध्यान से देखना कितना फॉल हो जाए। ये देखिए एच डैश से फॉल हो जाए, एच डैश एम एम ऑफ एच सी, इतना फॉल हो जाए। इसका क्या मीनिंग है? यहां प्रेजेंट होगी गैस, जरूर गैस का प्रेशर ज्यादा लग रहा होगा, इसलिए इसने मरकरी को सप्रेस किया है। जी हां, गैस का प्रेशर ज्यादा होगा, किससे ज्यादा होगा? एटमोस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा होगा, पी एटीएम से ज्यादा होगा। जरूर गैस का प्रेशर, पी गैस ज्यादा होगा एटमोस्फेरिक प्रेशर से, तभी तो ऐसा हो पाएगा। कितना ज्यादा होगा? सोचिए कितना ज्यादा होगा। देखिए यहां पर, यहां पर बिल्कुल ध्यान से देखिए, जो एच डैश हाइट के कोरस्पोंडिंग डिक्रीमेंट रहा होगा, इसके कोरस्पोंडिंग होगा प्रेशर डिफरेंस। जी हां, प्रेशर ऑफ गैस माइनस एटमोस्फेरिक प्रेशर, ये होगा इस एच डैश हाइट के कोरस्पोंडिंग जो डिक्रीमेंट है। जी हां, जरूर गैस का प्रेशर ज्यादा लग रहा होगा, इसकी वजह से ही प्रेशर डिफरेंस आपको मिल पाएगा। गैस का प्रेशर ज्यादा होगा, एटमोस्फेरिक प्रेशर कम होगा। और ये देखिए हाइट का डिक्रीमेंट एच डैश है, जरूर गैस का प्रेशर एटमोस्फेरिक प्रेशर से इतना ज्यादा होगा। देखिए पी गैस माइनस पी एटीएम इज इक्वल टू रो इंटू जी इंटू एच टू। ये एच टू क्या है? देखिए जो एच डैश एम एम ऑफ एच जी है, इसको मैंने मीटर में कन्वर्ट किया, तो ये डिक्रीमेंट देखिए हाइट का आपको एच टू मीटर मिलता है, तो रो इंटू जी इंटू एच टू। इस प्रकार से हम यहां पर प्रेशर डिफरेंस को एक्सप्रेस कर पाएंगे। जी हां, हाइट में जितना डिक्रीमेंट होगा, ये डिक्रीमेंट जरूर प्रेशर डिफरेंस की कोरस्पोंडिंग होगा।
और यहां देखिए जरूर गैस का प्रेशर ज्यादा लग रहा होगा, पी गैस ज्यादा होगा, तभी ऐसा हुआ है। यहां से गैस का प्रेशर ज्यादा लग रहा होगा, इसलिए यहां पर एच डैस एम एम ऑफ एच जी से आपको हाइट में डिक्रीमेंट देखने को मिलता है। और प्रेशर डिफरेंस को इस प्रकार से हमने एक बेहतरीन अंदाज में एक्सप्रेस किया है, आई होप आपने इसको अंडरस्टैंड किया होगा। चलिए इसके बाद बारी है कुछ क्वेश्चंस की, ताकि अभी तक जितना हमने अंडरस्टैंड किया है इसके एप्लीकेशन पार्ट को एक बेहतरीन अंदाज में हम अंडरस्टैंड कर पाए और ज्यादा से ज्यादा चीजें सीख पाए। तो देखिए ध्यान से, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल्स फाइंड प्रेशर ऑफ ट्रैप्ड गैस। हमें ट्रैप्ड गैस की प्रेशर की बात करनी है। इस प्रकार से देखिए, हमारे पास ट्यूब में गैस ट्रैप्ड है और ये मरकरी कॉलम है, मरकरी कॉलम से ट्रैप्ड है गैस। तो ध्यान से देखिए, ये मरकरी कॉलम ना ही ऊपर मूव करता है ना ही नीचे मूव करता है, ऐसी कंडीशन में क्या आप गैस का प्रेशर फाइंड आउट कर पाएंगे? देखिए आसानी के साथ आप निकाल पाएंगे यहां पर गैस का कितना प्रेशर होगा, यहां पर जो गैस ट्रैप्ड है इस मरकरी कॉलम की वजह से। देखिए इसकी हाइट 10 सेंटीमीटर, आप जानते हैं मरकरी की हाइट को प्रेशर बोल सकते हैं 1 सेंटीमीटर 10 mm के इक्वल है, या फिर आप इसको सेंटीमीटर में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। जहां 10 सेंटीमीटर हाइट है, इसका क्या मीनिंग है, कितना प्रेशर ये लगा रहा होगा। देखिए ये जो मरकरी कॉलम है ये ना ही ऊपर मूव करता है ना ही नीचे मूव करता है, ये प्रेशर यहां पर लगा रहा होगा 10 सेंटीमीटर ऑफ एच सी। इसके साथ में एटमोस्फेरिक प्रेशर भी लग रहा होगा, जी हाँ इस प्रकार से एटमोस्फेरिक प्रेशर भी लग रहा होगा। कितना लग रहा होगा ये देखिए, इस प्रकार से PATM लग रहा होगा, इस प्रकार से पी मरकरी लग रहा होगा। तो देखिए ना ही ये कॉलम ऊपर मूव करता है ना ही नीचे मूव करता है, जरूर गैस का प्रेशर पी गैस इस प्रकार से इक्वल होगा। देखिए पी गैस इज इक्वल टू PATM प्लस पी मरकरी, इन दोनों प्रेशर को ऐड कर दिया जाए तो जरूर ये प्रेशर का सम किसके इक्वल होगा, गैस के प्रेशर के इक्वल होगा। तभी इक्विलिब्रियम स्टेट है, ना ही कॉलम ऊपर मूव करता है ना ही कॉलम नीचे मूव करता है। तो ध्यान से देखिए, यहां से हमें क्या मिलता है, यहां पर गैस के प्रेशर को हमें फाइंड आउट करना है। एटमोस्फेरिक प्रेशर 75 है, इसका प्रेशर देखिए 10 है, 10 सेंटीमीटर ऑफ एच सी, और ये कितना है 75 सेंटीमीटर ऑफ एच सी, ये हमें मिलता है 85 सेंटीमीटर ऑफ एच सी और 850 mm ऑफ एच सी। ATM में कन्वर्ट करना हो तो उसको डिवाइड करना होगा 760, इतना ATM मिलता है। इसके बाद देखिए सेकंड पार्ट को ध्यान से देखिए, आई होप आपने भी फर्स्ट पार्ट को अंडरस्टैंड किया होगा। इसके बाद देखिए बारी है सेकंड पार्ट की, इन्वर्टेड ट्यूब का केस आपके सामने है। इस बार मरकरी कॉलम गैस पर प्रेशर नहीं लगाएगा, ये देखिए मरकरी कॉलम इस प्रकार से प्रेशर अप्लाई कर रहा होगा, स्कैन जी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, यानी इस बार एमजी की डायरेक्शन डिफरेंट है। तो देखिए इस प्रकार से मरकरी कॉलम की वजह से प्रेशर लग रहा होगा और गैस का प्रेशर इस प्रकार से लग रहा होगा। एटमोस्फेरिक प्रेशर तो हर डायरेक्शन से लगता ही है, इसकी ओपनिंग इधर से है तो इधर से लग रहा होगा। देखिए एटमोस्फेरिक प्रेशर, ना ही ये मरकरी कॉलम नीचे मूव करता है ना ही ऊपर मूव करता है, इसका क्या मीनिंग है, यानी दोनों तरफ से लगने वाला प्रेशर सेम है, ये इक्विलिब्रियम स्टेट में है। तो देखिए इसकी इक्विलिब्रियम स्टेट के लिए हमें क्या करना होगा, इसकी इक्विलिब्रियम स्टेट के लिए इनके प्रेशर के सम को इससे इक्वेट करना होगा, यानी हमें पी गैस, हमें क्या करना होगा इस केस में, पी गैस प्लस प्रेशर ड्यू टू मरकरी कॉलम इज इक्वल टू एटमोस्फेरिक प्रेशर, इस प्रकार से इक्वेट करना होगा। ध्यान से देखिए गैस का प्रेशर कितना होगा इसको हमें फाइंड आउट करना है, मरकरी कॉलम की वजह से प्रेशर कितना होगा। इसकी हाइट देखिए 10 सेंटीमीटर है, जो मरकरी कॉलम की हाइट है ये इंडिकेट करती है प्रेशर को, ये हम देख चुके हैं, तो यहां पर पुट करना होगा 10 सेंटीमीटर। एटमोस्फेरिक प्रेशर देखिए 75 सेंटीमीटर गिवन है, 75 सेंटीमीटर, तो यहां से हमें प्रेशर
ऑफ गैस मिल पाएगा, देखिए कितना मिल पाएगा, प्रेशर ऑफ गैस इज 75 माइनस 10, यहां से मिल पाएगा 65 सेंटीमीटर ऑफ Hg. हम जानते हैं 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 mm. तो यहां से देखिए mm में प्रेशर मिल पाएगा 650 mm ऑफ Hg. एटीएम में कन्वर्ट करने के लिए इसको डिवाइड करना होगा 760 से, इतना एटीएम प्रेशर हमें मिल पाएगा. इसके बाद देखिए एक और केस आपके सामने, इसके बाद इस प्रकार से देखिए थर्ड पार्ट में इंक्लाइन ट्यूब का केस हमारे पास है. थीटा एंगल पर ट्यूब को प्लेस किया है तो 10 सेंटीमीटर मर्करी कॉलम की वजह से जो प्रेशर लग रहा होगा ये प्रेशर 10 सेंटीमीटर नहीं होगा इस केस में, थीटा एंगल पर है. इस प्रकार से हमें इसका साइन कंपोनेंट लेना होगा. देखिए ये साइन कंपोनेंट होगा 10 साइन थीटा, एंगल हमें गिवन है, थीटा एंगल है, ये देखिए इस प्रकार से थीटा एंगल है, तो ये कंपोनेंट होगा 10 साइन थीटा. और ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा होगा कितना, देखिए 75 सेंटीमीटर ऑफ Hg, ये होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर. और इस प्रकार से ट्रैप्ड गैस का प्रेशर हमें मिल पाएगा. इधर से इधर कौन सा प्रेशर लग रहा होगा, प्रेशर ऑफ ट्रैप्ड गैस. तो यहां से देखिए अगर ये मरकरी कॉलम ना ही ऊपर मूव करता है ना ही नीचे मूव करता है, यानी ये है इक्विलिब्रियम स्टेट में, तो यहां पर अप्लाई कर पाएंगे पी गैस इज इक्वल टू देखिए किसके इक्वल होगा, 10 साइन थीटा प्लस पी एटीएम. एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहां पर है देखिए 75 जी हां सेंटीमीटर ऑफ एचजी. गैस का प्रेशर हमें फाइंड आउट करना है आसानी के साथ. गैस का प्रेशर हम कैलकुलेट कर पाएंगे और न्यूमेरिकली सोल्व भी कर पाएंगे अगर हमारे पास थीटा की वैल्यू हो. आई होप आपने इसको अंडरस्टैंड किया होगा. एक केस देखिए, केस फोर मेरी तरफ से देखिए, केस फोर देखिए ये होगा. अगर इस ट्यूब को ऐसे लेटा दिया जाए, जी हाँ आराम फरमा रही है ट्यूब देखिए, और ये जो मरकरी कॉलम है इसकी लेंथ अगेन 10 सेंटीमीटर है. आपको कैलकुलेट करना है पी गैस एटमॉस्फेरिक प्रेशर अब भी कितना लग रहा है, 75 सेंटीमीटर ऑफ एचजी कितना लग रहा है. तो देखिए क्या इस केस में मरकरी कॉलम की वजह से गैस पर कोई प्रेशर लग रहा होगा, ये मरकरी कॉलम ना ही इस तरफ मूव करता है ना ही इस तरफ मूव करता है, यानी ये है इक्विलिब्रियम स्टेट में, दोनों तरफ से सेम प्रेशर लग रहा होगा तभी ऐसा हो पाएगा. मरकरी कॉलम ना ही इस तरफ मूव करता है और ना ही इस तरफ मूव करता है, तो इस केस में हमें क्या करना होगा, इस केस में देखिए हमें इक्विलिब्रियम स्टेट को इस प्रकार से डिफाइन करना होगा. Mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसकी वजह से गैस पर कोई प्रेशर नहीं लगेगा, Mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो मरकरी कॉलम की वजह से गैस पर कोई प्रेशर नहीं लग रहा होगा. बार बार मैंने आपको बताया है, तो देखिए जरूर गैस का प्रेशर इक्वेट किया जाएगा इस केस में किससे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो हर डायरेक्शन में लग रहा होगा, किससे इक्वेट किया जाएगा, पी एटीएम से. तो यहां से देखिए पी गैस इज इक्वल टू पी एटीएम, इस कंडीशन से पी गैस कैलकुलेट कर पाएंगे, पी गैस इज इक्वल टू 75 सेंटीमीटर ऑफ एचजी. आई होप आपने इसको अंडरस्टैंड किया होगा. एमएम ऑफ एचजी में ये होगा 750 एमएम ऑफ एचजी, एटीएम में ये होगा 750 डिवाइडेड बाय 760. जी हां एमएम ऑफ एचजी को अगर 760 से डिवाइड किया जाए तो प्रेशर हमें एटीएम यूनिट में मिल पाएगा. चलिए इसके बाद आगे चलते हैं. एक बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने है जिसमें यूज होगा कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विवेलेंट हाइट. ध्यान से देखिए कैलकुलेट प्रेशर एट पॉइंट एक्स, इस पॉइंट एक्स पर हमें प्रेशर कैलकुलेट करना होगा. कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे, क्या यहां पर जो हाइट गिवन है इस हाइट को ही प्रेशर मान लेंगे. देखिए किस प्रकार से, क्या प्रेशर P1 इस हाइट की वजह से लग रहा होगा, प्रेशर P2
इस हाइट की वजह से लग रहा होगा, जी हाँ लग रहा होगा, और साथ में एटमोस्फेरिक प्रेशर भी लग रहा होगा, इन तीनों को ऐड करना होगा। तो क्या इस हाइट को ही प्रेशर मान लिया जाए? मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, क्या इस हाइट को ही प्रेशर मान लिया जाए? ध्यान से देखिए, डेंसिटी यहां पर 13.6 नहीं है ग्राम पर एमएल में, 13.6 ग्राम पर एमएल डेंसिटी होगी, तो लिक्विड डेफिनेटली कौन रहा होगा? मरकरी रहा होगा। यहां पर लिक्विड मरकरी नहीं है, कोई और है। किसी और लिक्विड की हाइट को क्या प्रेशर बोल सकते हैं? जी नहीं, ऐसे केस में हमें कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विवेलेंट हाइट को यूज करना होगा। कैसे यूज करना होगा आपको बताया जा चुका है, कैसे यूज करना होगा याद कीजिए, याद आएगा आपको। देखिए, रो मरकरी इंटू जी इंटू एच मरकरी इज इक्वल टू रो वन इंटू जी इंटू एच वन, इस प्रकार से यूज करना होगा कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विवेलेंट हाइट। और यहां से आपको मरकरी स्केल पर हाइट मिल जाएगी, क्या मिल पाएगी? रो वन इंटू एच वन डिवाइडेड बाय रो मरकरी। देखिए ध्यान से, जी हाँ, सेम प्रेशर एग्जर्ट हो इसके कोरस्पोंडिंग मरकरी की कितनी हाइट रही होगी इसकी हमें बात करनी, उस हाइट को प्रेशर बोला जा सकता है। इस हाइट को हम डायरेक्टली प्रेशर नहीं बोल पाएंगे। तो इस केस में देखिए, इस हाइट के कोरस्पोंडिंग मरकरी स्केल पर मरकरी की कितनी हाइट मिलेगी, यानी इस प्रेशर के कोरस्पोंडिंग आपको मरकरी स्केल पर मरकरी की कितनी हाइट मिल पाएगी? देखिए, रोवन क्या है? 3.4 ये रोवन है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड 1 है, इनटू देखिए हाइट ऑफ 400 डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ मरकरी 13.6। यहां से देखिए, यहां से 3.44 जा 13.6, यहां से मरकरी स्केल पर आपको हाइट मिल पाएगी, ये हाइट आपको मिल पाएगी। ध्यान से देखिए, 100 mm ऑफ HG, इस हाइट को आप प्रेशर बोल सकते हैं, मरकरी स्केल पर है, 100 mm ऑफ HG। इसके बाद देखिए, क्या इस हाइट को डायरेक्टली प्रेशर बोल पाएंगे? जी नहीं, ये लिक्विड एक ही हाइट है। एक बार फिर से आपको अप्लाई करना होगा कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विवेलेंट हाइट, और मरकरी स्केल पर इसके प्रेशर की कोरस्पोंडिंग आपको कितनी हाइट मरकरी की मिल पाएगी। देखिए, प्रेशर सेम हो, रो मरकरी इंटू जी इंटू एच मरकरी इज इक्वल टू रो टू इंटू जी इंटू एच टू। देखिए, जी से जी कैंसिल होगा, यहां से एच मरकरी, हाइट ऑफ मरकरी आपको कितने मिल पाएगी? रो टू इंटू एच टू डिवाइडेड बाय रो मरकरी। देखिए, रो टू कितना है इस केस में? डेंसिटी ऑफ लिक्विड टू कितनी है? 6.8। हाइट कितनी है? 56। डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ मरकरी, दैट इज 13.6। यहां से देखिए, ध्यान से देखिए क्या मिलता है, यहां से आपको इस प्रकार से हाइट मिलती है मरकरी स्केल पर इस सेम प्रेशर के कोरस्पोंडिंग। देखिए, यहां से आपको हाइट कितनी मिल पाएगी मरकरी स्केल पर? 28 सेंटीमीटर, इतनी हाइट मिल पाएगी। एमएम में 280 mm, इतनी हाइट हमें मिल पाएगी, यानी प्रेशर P2 कितना होगा? ये होगा 280 mm ऑफ HG। और ये देखिए, एटमोस्फेरिक प्रेशर 180 mm है, 180 mm इज इक्वल टू 180 mm इज इक्वल टू 760 mm ऑफ HG। इसको भी हमें mm ऑफ HG में ही एक्सप्रेस करना होगा। जी हाँ, इन तीनों का टोटल प्रेशर ही यहां पर एग्जर्ट होगा इस प्रकार से, एटमोस्फेरिक प्रेशर प्लस P1 प्लस P2 इज PX, P1 प्लस P2 प्लस P80 mm। तो ये देखिए, PX कितना होगा, कितना प्रेशर एग्जर्ट हो रहा होगा इस पॉइंट X पर, ये होगा 100 प्लस 280, ये हुआ 380 प्लस P80 mm 760। तो देखिए, 280 प्लस 100 380 प्लस 760, ये हुआ 1140 mm ऑफ HG। इतना प्रेशर एग्जर्ट हो पाएगा कौन से पॉइंट पर? इस पॉइंट X पर। आइए इसी टाइप के एक और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, ताकि इस कॉन्सेप्ट को और ज्यादा सिंपल बनाया जाए। जल्दी से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, वीडियो को पॉज कीजिए और जल्दी से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, देखते हैं कितने स्टूडेंट्स इसके फाइनल आंसर तक पहुंच पाएंगे। देखिए, यहां पर
क्वेश्चन आपके सामने, फाइंड इन एटीएम एट पॉइंट ए, कैपिटल ए पर हमें प्रेशर फाइंड करना है। ध्यान से देखिए, पॉइंट ए पर विच इज 10 सेंटीमीटर अबव द बॉटम ऑफ कंटेनर, जो कि 10 सेंटीमीटर ऊपर है कंटेनर के बॉटम से, कितना ऊपर है 10 सेंटीमीटर ऊपर है, यानी 100 एमएम ऊपर है, यानी नीचे जो लिक्विड है यह लिक्विड तो प्रेशर अप्लाई नहीं करेगा, ऊपर जो लिक्विड है, कितना लिक्विड, ये इसकी हाइट देखिए 300 एमएम, ये प्रेशर अप्लाई कर रहा होगा, और साथ में ये देखिए 40 सेंटीमीटर ये लेंथ एक और लिक्विड की, ये भी यहां पर प्रेशर अप्लाई कर रहा होगा 400 एमएम इसकी हाइट होगी, और ओपन कंटेनर होगा एटमोस्फेरिक प्रेशर 760 एमएम ऑफ एचजी भी लग रहा होगा। ध्यान से देखिए, ये पॉइंट ए है, इस पॉइंट ए पर लगने वाला प्रेशर कौन कौन सा है, ये P1 है, ये P2 है, लिक्विड 1 की वजह से P1 है, लिक्विड 2 की वजह से P2 है, और एटमोस्फेरिक प्रेशर PATM है। इस प्रकार से इन तीनों को ऐड करने के बाद हम आसानी के साथ ये कैलकुलेट कर पाएंगे ए पॉइंट पर लगने वाला प्रेशर PA कितना होगा, P1 प्लस P2 प्लस PATM होगा। हमारा टास्क क्या है, हमारा टास्क है P1 P2 को एक्सप्रेस करना, PATM हम जानते हैं कितना है, PATM 760 mm of Hg है। अब देखिए P1 कैलकुलेट करने के लिए क्या करना होगा, क्या इस हाइट को ही प्रेशर बोल दिया जाए, जी नहीं, ये किसी लिक्विड 1 की हाइट है, लिक्विड बी, या फिर इसे मान सकते हैं लिक्विड 1, लिक्विड ए, और इसे मान सकते हैं लिक्विड 2, ये किसी और लिक्विड की हाइट, इसको हम प्रेशर का नाम नहीं दे सकते, इस हाइट को हम प्रेशर नहीं बोल पाएंगे। इस केस में हमें यूज करना होगा कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विवेलेंट हाइट। अगर मर्करी स्केल पर हम हाइट को एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो हमें यूज करना होगा इस सेम प्रेशर की कोरस्पॉन्डिंग कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विवेलेंट हाइट, रो मर्करी इंटू जी इंटू एच मर्करी इज इक्वल टू रो वन इंटू जी इंटू एच वन, देखिए जी से जी कैंसिल होगा, यहां से मर्करी स्केल पर हाइट आपको कितनी मिल पाएगी, रो वन इंटू एच वन डिवाइडेड बाय रो मर्करी। देखिए डेंसिटी ऑफ लिक्विड 1 6.8 है, इंटू एच वन कितनी है 300 है, डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ मर्करी 13.6। यहां से देखिए मर्करी स्केल पर हाइट कितनी मिलती है, यह आपको मिलती है मर्करी स्केल पर 150 mm of Hg। आई होप आपने भी मर्करी स्केल पर इस प्रकार से लिक्विड 1 की हाइट को एक्सप्रेस किया होगा। इस प्रकार से हमने सेम प्रेशर की कोरस्पॉन्डिंग मर्करी स्केल पर हाइट हमने एक्सप्रेस की है, तो यहां पर हम इस हाइट को प्रेशर बोल सकते हैं, डायरेक्टली पुट कर सकते हैं 150 mm of Hg। जी हाँ, मर्करी स्केल पर मर्करी की हाइट है, इसको हम प्रेशर बोल सकते हैं। इसके बाद देखिए, क्या इस हाइट को डायरेक्टली पुट किया जाए, ये लिक्विड मर्करी नहीं है, इसका अंदाजा, इसका अनुमान हमें इस डेंसिटी की डेटा से लगता है। देखिए मर्करी की डेंसिटी इतनी होती नहीं, 13.6 ग्राम पर एमएल होती है, यानी ये लिक्विड मर्करी नहीं है, कोई और लिक्विड है। इस केस में भी क्या करना होगा, देखिए एक बार फिर से कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विवेलेंट हाइट यूज करना होगा, रो मर्करी इंटू जी इंटू एच मर्करी इज इक्वल टू रो टू इंटू जी इंटू एच टू। देखिए जी से जी कैंसिल हुआ, यहां से एच मर्करी आपको क्या मिल पाएगा इस सेकेंड लिक्विड के लिए, देखिए रो टू कितना 3.4 है, एच टू इज 400 डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ मर्करी विच इज 13.6। यहां से देखिए कैलकुलेशन करने के बाद मर्करी स्केल पर अगर लिक्विड 2 की हाइट की बात की जाए तो ये हाइट हम कैलकुलेट कर चुके हैं 100 mm of Hg। ये देखिए यहां पर हमें पुट करना होगा 150 एंड 100, देखिए 150 हमने पुट किया, यहां पुट करना होगा 100, ये लीजिए 100 पुट किया, यहां पर हमने पुट किया 100 100 mm of Hg।
और यहां देखिए एटमोस्फेरिक प्रेशर 1 atm है, mm ऑफ Hg में कितना होगा, 1 atm इज इक्वल टू 760 mm ऑफ Hg। इस प्रकार से वैल्यूज को पुट करने के बाद P1 पुट किया मैंने, कितना पुट किया 150, P2 पुट किया मैंने 100, तो इस प्रकार से 150 प्लस 100 ये हुआ 250 प्लस 760 ये हुआ 1010 mm ऑफ Hg। आई होप आप भी इसके फाइनल आंसर तक पहुंच पाए होंगे। चलिए इसके बाद बैरोमीटर के बाद हमें अंडरस्टैंड करना होगा मैनोमीटर के कॉन्सेप्ट को, द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ प्रेशर ऑफ ए गैस इज मैनोमीटर। देखिए गैस के प्रेशर को अगर हमें मेजर करना है तो इसके लिए हमें यूज करना होगा मैनोमीटर को। मैनोमीटर दिखने में कैसा होगा, ध्यान से देखिए, मैनोमीटर दिखने में ऐसा होगा, मैनोमीटर से गैस के प्रेशर को किस प्रकार से मेजर किया जाएगा इसकी भी हमें साथ में ही बात करनी होगी। मैनोमीटर इस प्रकार से यू शेप की ट्यूब होगी, जी हां, इस प्रकार से यू शेप की ट्यूब होगी और इसमें प्रेजेंट होगा मरकरी, यू शेप ट्यूब होगी और इसमें मरकरी प्रेजेंट होगा और इसको कनेक्ट किया जाएगा गैस के कंटेनर से। ये देखिए यहां गैस प्रेजेंट है, इसको कनेक्ट किया जाएगा गैस के कंटेनर से। मैनोमीटर कंसिस्ट ऑफ यू शेप ट्यूब कंटेनिंग मरकरी, वन लिंब ऑफ ट्यूब इज लॉन्गर देन अदर वन। देखिए एक लिंब, ये देखिए लिंब है इसका, ये लॉन्गर होगा दूसरे लिंब से, ये इसका दूसरा लिंब है, एक लिंब इसका लॉन्गर होगा एंड दूसरा लिंब क्या होगा, शॉर्टर होगा। आई होप आपने इसको अंडरस्टैंड किया होगा। तो होगा क्या, देखिए गैस यहां पर कुछ प्रेशर एग्जर्ट करती है जिसकी वजह से यहां पर हाइट अटेन होगी, कितने हाइट अटेन होगी, यहां पर हाइट अटेन होगी एच, यहां वैक्यूम है, यहां कुछ भी नहीं है, क्या है, वैक्यूम है। तो देखिए इस केस में हम कैसे कमेंट कर पाएंगे यहां प्रेजेंट गैस का प्रेशर कितना होगा। देखिए प्रेशर ऑफ गैस इस हाइट के कोरिस्पोंडिंग होगा, यहां तो कुछ भी नहीं है, जी हां खाली है, वैक्यूम है यहां पर, तो जो हाइट एच अटेन हुई है इसके कोरिस्पोंडिंग प्रेशर कैलकुलेशन इस प्रकार से कर पाएंगे। प्रेशर रोजी एच होगा, हाइट को मीटर में पुट किया जाए, जी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और डेंसिटी को किलोग्राम पर मीटर क्यूब में पुट किया जाए तो यहां से प्रेशर ऑफ गैस आपको पास्कल यूनिट में मिल जाएगा। आई होप आपने इसको अंडरस्टैंड किया होगा। देखिए प्रेशर ऑफ गैस आपने आसानी के साथ इस अटेंड हाइट से कैलकुलेट कर लिया है। इसके बाद गैस पर आइडियल गैस इक्वेशन आप अप्लाई कर पाएंगे। आइडियल गैस इक्वेशन इज पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। ये इक्वेशन हमें कहां से मिलती है, कहां से मिलती इक्वेशन, गैस लोड से मिलती है। इसके लिए हमें जानना होगा गैस लोड को, गैस लोड से रिलेटेड पार्ट नेक्स्ट सेशन में कवर होगा। यहां देखिए पी इज प्रेशर ऑफ गैस, पी इज प्रेशर ऑफ गैस, पी इज प्रेशर ऑफ गैस, वी इज वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, वी इज वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। आइडियल गैस के केस में कंटेनर की वॉल्यूम ही गैस की वॉल्यूम होगी। एन नंबर ऑफ मोल्स हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस एंड आर इज गैस कांस्टेंट, ये गैस कांस्टेंट है। टी इज टेम्परेचर ऑफ गैस, टी इज टेम्परेचर ऑफ गैस। इस टाइप के क्वेश्चंस में हमें देखिए आर की कौन सी वैल्यू पुट करनी, 0.0821 यूनिट होगी लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल, यानी यहां पर प्रेशर हमें एटीएम में पुट करना होगा, वॉल्यूम लीटर में, जी हां वॉल्यूम लीटर में, टेम्परेचर केल्विन में। तो आसानी के साथ नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर पाएंगे। कोई भी पैरामीटर आसानी के साथ पीवी इज इक्वल टू एनआरटी इक्वेशन अप्लाई करने से कैलकुलेट किया जा सकता है।
प्रेशर हम यहां से कैलकुलेट कर पाएंगे। मैनोमीटर को यूज किया जाएगा गैस के प्रेशर को कैलकुलेट करने के लिए। इस प्रकार से यू शेप की ट्यूब होगी, मरकरी होगा, एक लिंब इसका क्या होगा, लॉन्गर होगा। अब देखिए मैनोमीटर कितने टाइप का है। टू टाइप्स ऑफ मैनोमीटर आर यूज्ड। पॉइंट नंबर वन, दोज इन विच लॉन्गर लिंब इज क्लोज्ड। पॉइंट नंबर टू, दोज इन विच लॉन्गर लिंब इज ओपन। देखिए लॉन्गर लिंब इज क्लोज्ड, केस वन आपके सामने है। यहां पर हाई टच अटेन हुई है। हाई टच क्यों अटेन हुई है, देखिए गैस का प्रेशर लग रहा होगा, इसकी वजह से हाइट एच अटेन होगी, यानी प्रेशर ऑफ गैस ज्यादा होगा तो हाइट ज्यादा होगी। हाइट के कोरस्पोंडिंग प्रेशर गैस का आपको कितना मिल पाएगा, रो जी एच मिल पाएगा। आई होप आप इस फॉर्मूला को जानते होंगे, आपने भी इस प्रकार से प्रेशर को एक्सप्रेस किया होगा। यहां वैक्यूम है, कुछ भी नहीं है। जी हाँ, जो हाइट अटेन हुई है ये हाइट गैस के प्रेशर की वजह से ही अटेन हुई है। गैस का प्रेशर ज्यादा होगा तो हाइट ज्यादा होगी, गैस का प्रेशर कम होगा तो हाइट कम होगी। इस प्रकार से इस अटेंड हाइट की कोरस्पोंडिंग कितना प्रेशर होगा, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को हम जानते हैं रो जी एच होगा। कितना होगा, रो जी एच होगा। इसके बाद देखिए अगर लॉन्गर लिंब ओपन हो ऐसे केस में क्या होगा, देखिए इस केस में एटमोस्फेरिक प्रेशर लग रहा होगा। अगर यहां पर हाइट में डिक्रीमेंट देखने को मिलता है, यानी लेवल इक्वल नहीं है बल्कि यहां डिक्रीमेंट देखने को मिलता है, तो जरूर पीएटीएम, जरूर पीएटीएम ज्यादा होगा पी गैस से, इसीलिए डिक्रीमेंट देखने को मिलता है। तो देखिए प्रेशर डिफरेंस कितना होगा, पीएटीएम माइनस पी गैस, इस एच के कोरस्पोंडिंग होगा प्रेशर डिफरेंस रो जी एच। यहां से देखिए आपको क्या मिलता है, पी गैस इज इक्वल टू PATM माइनस रो जी एच। आई होप इसको आपने अंडरस्टैंड किया होगा, ये ऐसा क्यों है, क्योंकि PATM ज्यादा है। और कितना डिफरेंस है, देखिए प्रेशर का डिफरेंस जितना डिक्रीमेंट हो पाया है, और ज्यादा डिक्रीमेंट कब होगा, जब और ज्यादा डिफरेंस होगा, यानी एटमोस्फेरिक प्रेशर और ज्यादा होगा तो और ज्यादा डिफरेंस आपको मिल पाएगा। आई होप इसको आपने अंडरस्टैंड किया होगा, किस केस में एटमोस्फेरिक प्रेशर ज्यादा है प्रेशर ऑफ गैस से, और ये डिफरेंस जो डिक्रीमेंट हुआ है हाइट में, इसके कोरस्पोंडिंग आपको मिल पाएगा इस प्रकार से रो जी एच। कितना मिल पाएगा, रो जी एच मिल पाएगा। यहां देखिए वन लिंब ओपन है, लॉन्गर लिंब ओपन है, केस थ्री आपके सामने है, ये केस टू था, एटमोस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, फिर भी देखिए इंक्रीमेंट देखने को मिलता है, मरकरी का लेवल ऊपर मिलता है, इसका क्या मीनिंग है, जरूर यहां पर प्रेशर ऑफ गैस एटमोस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा होगा। और यहां पर जो हाइट अटेन हुई है ये इस प्रेशर डिफरेंस की कोरस्पोंडिंग ही अटेन हुई है, यानी पी गैस माइनस पी एटीएम इज इक्वल टू ये हाइट इस प्रेशर डिफरेंस की कोरस्पोंडिंग अटेन हुई है। और इस हाइट की कोरस्पोंडिंग कितना प्रेशर डिफरेंस रहा होगा, देखिए रो जी एच रहा होगा। आसानी के साथ पी गैस आप कैलकुलेट कर पाएंगे इसको अप्लाई करते हुए। आई होप मैनोमीटर के आपने इन सभी केसेस को अंडरस्टैंड किया होगा। अगर आप ये सब कुछ अंडरस्टैंड कर चुके हैं, अब बारी है होमवर्क की। जितने कॉन्सेप्ट्स आज मैंने आपको सिखाए हैं उन सभी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस आपके सामने हैं, इन क्वेश्चंस को जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा। इससे आपको ये आइडिया मिल पाएगा क्या आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मिल चुकी है। अगर आप फाइनल आंसर तक पहुंच जाएंगे, यस आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मिल चुकी है। इस प्रकार से आपके सामने कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस हैं। थर्ड क्वेश्चन ये होगा जो आपके लिए होमवर्क है। तो चलिए अब गैस लॉज के साथ हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए क्लास नोट्स को जरूर रिवाइज कीजिएगा और होमवर्क में क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। जी हाँ, इस चैप्टर के अंदर न्यूमेरिकल पोर्शन काफी इंपॉर्टेंट हैं। हर रोज मैं आपको होमवर्क दूंगा, आपको क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं और कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे बताना है कि किस टाइप के कॉन्सेप्ट्स में आपको प्रॉब्लम है और किस टाइप के कॉन्सेप्ट्स को आपने एक बेहतरीन अंदाज में अंडरस्टैंड किया है। चलिए दोस्तों
आज की मुलाकात में इतना ही, अब मुलाकात होगी अगली बार, तब तक के लिए ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खिलखिलाते रहिए। स्माइल ऑलवेज आपके फेस पर बनी रहनी चाहिए जी। बाय बाय, टेक केयर, स्टे कनेक्टेड विद मी, थैंक यू वेरी मच। पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।